दोस्तों, मैं आज आपको दिखाऊंगा कि जो सीट कवर का साइड जो पक्का होता है उसमें चैन कैसे आप डालें। ये बकेट सीट के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जो कि ये ज़रूरी है। अगर ये चीज़ अगर बकेट में ना लगा रहे चैन, तो फिटिंग करने में बहुत सारा दिक्कतें आते हैं और ढंग से फिनिशिंग नहीं आ पाता है। तो इस और ये देखिए, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये चैन का ये जो कट जो है लगा हुआ है, यहाँ से चैन डालना है, इसके लेवल में चैन आएगा, बाकी के जगह जो बचा हुआ है चैन कवर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसके हिसाब से चैन नाप लेंगे, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ये देखिए, मैंने रेडी करके रखा है एक चैन। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि चैन का दो साइड होता है, ये सीधा होता है देख लीजिए, और ये उल्टा होता है। तो आपको पक्खा में जो चैन डालना है पहले ऊपर से लगाना है, वो सीधे लगाना है। इस चैन को हम लोग सीधे पकड़ेंगे। ये देखिए, ये सीधा टाइप से है, ऊपर से है, और इसको ऐसे रख के हम लोग स्टिच करेंगे इसके ऊपर से। और यहाँ पे आपको होल्ड कर देना है। यहाँ पे होल्ड करने के बाद यहाँ पे आपको एक छोटा सा कट लगाना है बाई क्रॉस, ऐसे करके। ये देखिए, छोटा सा कट लगा के, छोटा सा ही कट लगाना है, ज़्यादा बड़ा कट नहीं लगाना है। और आप जो यहाँ से स्टिच किए हैं इसको ऐसे फोल्ड करके हम स्टिच करेंगे ऊपर से इसको। रिवर्स मारना मत भूलिएगा। तो ऐसे हम लोग पहले स्टिच कर लेंगे इसको। आपको ऊपर से स्टिच करते आना है और यहाँ पे आपको होल्ड करना है। होल्ड करके आप देख सकते हैं, यहाँ स्लो मोशन में आपको दिखाएंगे हम, इस प्रकार से इसको फोल्ड कर लेना है जहाँ पे हमने कट लगाया था पीस को, और उसके ऊपर से स्टिच कर देना है। यहाँ से घुमा लेना है, घुमा कर और उसके ऊपर से स्टिच कर देना है। तो आप ये देख सकते हैं, ये रेडी हो चुका है, आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, पूरा फिनिशिंग के साथ ये पक्का रेडी हो गया है मेरा। इस प्रकार से आप पक्का बनाएं। तो ये छोटा सा जानकारी आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। इसको ऐसे हम लोग यहाँ से बांध देंगे ताकि ये रनर बाहर ना निकले। रेडी हो चुका है।